बीते दिनों पौंग बांध के 52 गेट से छोड़े गए पानी के कारण व्यास दरिया में आई बाढ़ ने मंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में तबाही मचाई है। लोगों की खेतों में लहलहाती फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों की साल भर की कमाई पौंग बांध से छोड़े गए पानी में बह गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार रियाली पंचायत प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और लोगों का दुख दर्द साझा किया। बीते दिनों पौंग बांध के गेट नंबर 52 से छोड़े गए पानी के कारण व्यास दरिया में आई बाढ़ ने मंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में तबाही मचाई है। पानी से हुई तबाही में सबसे ज्यादा प्रभावित मंड, बहादुरपुर, बडाला, हल्ले, राजगिरी, भटोली, मलान, भोगरा आदि गांव हुए हैं। बाढ़ग्रस्त प्रभावित लोगों से मिलने के लिए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार रियाली पंचायत पहुंचे। स्थानीय लोगों ने अपना दुख दर्द सुनाते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष को बताया कि पौंग बांध से बीते दिनों पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से उनके खेतों में गन्ने की फसल, सरसों और गेहूं की फसल तबाह हो गई है। पानी के कारण ये फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। वहीं ट्यूबवेल में लगी मोटर भी जल गई है। मवेशियों के लिए लगाया गया चारा भी तबाह हो गया है। किसानों ने कहा कि उनकी साल भर की कमाई पानी में बह गई है। उन्होंने कहा कि इस बार की करीब 600 एकड़ से अधिक की भूमि में लगी करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की फसल तबाह हो गई है। उन्होंने पौंग बांध प्रशासन से मांग की है कि बांध से एक साथ छोड़े पानी की बजाय कम मात्रा में निरंतर पानी छोड़ा जाए, ताकि क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा न हो। वहीं भाजपा के उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने कहा कि किसानों की फसलों के हुए नुकसान की तुरंत प्रभाव से भरपाई करने के लिए उनकी प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व पंचायती राज मंत्री से बात हुई है और जल्द ही कमेटी बनाई जाएगी। 2-3 दिन पहले बीबीएमपी ने शाहनहर बराज से अचानक बिना नोटिस के पानी छोड़ा था, जिसके कारण मंड रियाली में और मंड भातपुर में लोगों की खड़ी फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके बारे में मैंने कृषि मंत्री श्री नरेंद्र कंवर जी से बात की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है और जल्द ही एक टीम यहां पर आके इस नुकसान का जायज़ा लेगी और जो भी उचित मुआवजा होगा यहां के किसानों को दिया जाएगा। यहां पर मैंने 2-3 ऐसे स्पॉट देखे हैं जहां पर दूसरी बनने की जरूरत है, जहां पर पुली बनने की जरूरत है। 2-3 परिवार थे जो इस बाढ़ में फंस गए थे और उस दिन मेरी एसडीएम फतेहपुर से बात हुई थी और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि अगर वहाँ पर एक पुल बन जाए, छोटा पुल बनेगा तो लोगों के जान माल की सुरक्षा हो सकती है। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।